निजामाबाद सिखवाल भवन में सत्यनारायण मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न। सिखवाल समाज निजामाबाद के तत्वाधान में यजमान हैदराबाद निवासी श्री विनोद कुमार ब्रजगोपाल व्यास की यजमानी में श्री सत्यनारायण मंदिर सिखवाल भवन निजामाबाद में ज्येष्ठी सुदी पंचमी मंगलवार 11 जून को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 61वां वार्षिक उत्सव महोत्सव कार्यक्रम में सुबह 6:30 बजे सत्यनारायण भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद 10:30 बजे हवन और सत्यनारायण भगवान की कथा, गोपाल महाराज के सानिध्य में दोपहर 12:30 बजे आरती और महाप्रसाद का आयोजन हुआ। उसके बाद निजामाबाद सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा यजमान परिवार के सदस्यों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निजामाबाद हैदराबाद वारंगल पुलगांव से आए सिखवाल समाज के बंधुओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। तेलंगाना निजामाबाद नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। श्री सूर्य ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य आप सबके प्राणी की एक बात पूछी है, अब मैं उसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा। इस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। तो आप ये कथा ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी पूर्व जिनकी इच्छा से सभी लोगों को सुनते हुए मृत्यु लोग में आप पहुंचे। सभी मनुष्यों को अपने अपने गर्भ के अनुसार मुझे देखकर पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राण के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा हमें सोचते हुए विष्णु लोग हो गए। माँ श्वेत वर्ण चार भुजा वाले थे योगेश भगवान नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान आप अत्यंत शक्तिशाली से संपन्न हो, मंत्र वाणी भी आप नहीं बना सकते, आपका आदि मध्य अंत में नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भोगता हो, तो गो नष्ट करने वाले हो, आपका नमस्कार है। नारद जी से ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री विश्वकर्मा बोले, हे नारद जी आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? किस अनुरोध करे धर्म ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक तरह पैदा हुए है, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ यदि आप उस पर प्रयत्न हो तो बताइए कि उन मनुष्य के लोग थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री नारद जी भी Yeah.
Thank you.